नमस्कार, मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है किस तरह से प्राइमरी शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, लेकिन इनकी कोशिशों को हरदोई जनपद के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। जिले के बिलग्राम पाठशाला स्कूल नगर किसी ग्रामीण का निवास स्थान जैसा लगता है, क्योंकि यहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक तो सरकारी हैं और बिल्डिंग में सरकारी है, पर स्कूल के अंदर बने हुए क्लासरूम पर कब्जा दबंग ग्रामीणों का है। हरदोई जिले के बिलग्राम विकास क्षेत्र में स्थित नूरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इस विद्यालय में नौनिहालों को अक्षर ज्ञान देने के बजाय विद्यालय परिसर के गांव वालों को स्टोर रूम बना दिया गया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिसर में बनी कक्षाओं व अन्य कमरों में गोबर के पथे हुए कंडे ठसाठस भरे हुए हैं। वहीं परिसर में अन्य जगहों पर भी तमाम निजी सामानों को रखा गया है। इसके चलते विद्यालय में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ आने वाले करीब 70 से 80 बच्चों को भी इस गंदगी के कारण फैलने वाली तमाम बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है। अभी ये मामला संज्ञान में है, शिक्षा अधिकारी बिलग्राम को निर्देशित किया जा रहा है कि मामले की जांच करें, दोषी पाए जाने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक। सर, प्रायः जो है प्राथमिक विद्यालयों में देखा गया है कि उसको अपने निजी इस्तेमाल के लिए जो है यूज किया जा रहा है, तो उसको लेके क्या कार्रवाई की जाएगी? जनपद के समस्त शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे दिया गया है कि वो विद्यालय भवनों से संबंधित समस्त इस प्रकार के गतिविधियों की जांच कर लें, संज्ञान में आने पर तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट।